हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोशु विज्ञान। और आज हम बात करेंगे ड्राइवर 4 या फिर कंडक्टर 4 जिन लोगों का है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सो ड्राइवर कंडक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है, तो वहाँ जाके देख लें कि ड्राइवर कंडक्टर क्या होता है, तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं ड्राइवर 4 कंडक्टर 4 जिन लोगों का होता है उनमें क्या क्वालिटी, क्या माइनस पॉइंट, क्या प्लस पॉइंट होते हैं। ठीक है, सो नंबर 4, अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 4 है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये लोग हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। ठीक है, कितना भी अच्छा कर लो किसी के साथ, बट एंड में गाली खाने को ही मिलेगी। दे ऑलवेज फॉल इन कॉन्ट्रोवर्सी, क्योंकि ये नंबर 4 कॉन्ट्रोवर्सी का नंबर भी होता है। ठीक है, तो जिनका भी नंबर 4 है नोटिस कीजिएगा, आप कभी किसी का अच्छा भी करना चाहेंगे तो आप कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाएंगे। ठीक है, इनको सक्सेस तो मिलती है बट बहुत ज़्यादा हर्डल्स के साथ मिलती है। लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी सक्सेस पाने में। ठीक है, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये अपने आप में विश्वास करते हैं, दे बिलीव इन देमसेल्व्स ओनली, ये दूसरों पर जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे, ये हमेशा अपने ऊपर ही विश्वास करेंगे। ठीक है, ईगो एक इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ईगो इनकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग इनसे कटने लगते हैं इनके ईगो की वजह से। दे कैन बी ए गुड रिसर्चर, एक रिसर्च और एक साइंटिस्ट वाला जो जॉब होता है, अगर आप नंबर 4 हैं तो आँख बंद करके रिसर्च साइंटिस्ट, या फिर एक होता है पुलिस, अगर आप पुलिस में चले जाएं या रिसर्च में चले जाएं या कोई साइंटिस्ट बन जाएं, तो आपके लिए वो बेहतरीन फील्ड होता है। ठीक है, ये तीन फील्ड नंबर 4 वालों के लिए बेहतरीन होते हैं। रिसर्च कहा मैंने, साइंटिस्ट अगर आप बन सकते हैं या फिर पुलिस। ठीक है, थोड़े से डिक्टेटर टाइप के लोग होते हैं ये लोग नंबर 4 वाले, थोड़े से डिक्टेटर होते हैं। ठीक है, रिबीलियस होते हैं, विद्रोही जिनको बोलते हैं। तो ठीक है, एंड इनकी लाइफ में स्ट्रगल, जैसा मैंने बताया, इनकी लाइफ में स्ट्रगल हर्डल बहुत ज़्यादा होती है। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। लड़ाके टाइप के होते हैं, थोड़े से लड़ाकू होते हैं, छोटी छोटी बातों पर जैसे मैंने कहा गुस्सा आ जाता है, तो उस तरह से लड़ाई भी करने लगते हैं किसी के भी साथ, सामने कोई भी हो। एंड इनको लाइफ में हमेशा लॉजिक चाहिए, ये इनका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, ये इनका एक ड्रॉबैक है कि हर काम को करने के लिए इनको लॉजिक चाहिए कि मैं ये काम ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मैं इसको क्यों करूं, उसका मुझे क्या फ़ायदा है। तो डीप में चले जाते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं कि मैं इस काम को करूं क्यों करूं और इसमें क्या फ़ायदा नुकसान, सब चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक ड्रॉबैक बन जाता है। अड़ियल किस्म के होते हैं, थोड़े से अड़ियल हो जाते हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर। या तो बहुत अच्छे दोस्त होंगे या फिर बहुत अच्छे दुश्मन होंगे। ठीक है, नंबर 4 वालों से दोस्ती कीजिए, दुश्मनी कीजिए, तो बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, बहुत बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, छुपा रुस्तम, ये इनकी एक मेन क्वालिटी होती है। ठीक है, इनके अंदर कोई राज होगा ये आपको बताएंगे नहीं जल्दी से। ठीक है, आप कितना भी फोर्स कर लीजिए, कितना भी घुमा फिरा के कीजिए, ये लोग छुपा रुस्तम होते हैं। बैक साइड पर कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चल रहा होता है और ये किसी से जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, अपने कार्ड जल्दी से नहीं खोलते हैं, सेम बात छुपा रुस्तम वाली, ये लोग अपने कार्ड जल्दी से नहीं खोलते हैं। ठीक है, वही छुपा रुस्तम होते हैं, जल्दी से अपनी लाइफ के बारे में किसी को बताते नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी तरह की भनक नहीं लगने देते। ठीक है, इनको कभी हारना मंजूर नहीं होता लाइफ में। ठीक है, अगर किसी से लड़ाई हो गई तो उसे मार देंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं और कभी हार नहीं मानेंगे। ठीक है, थोड़े से डिसिप्लिन भी होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। देखिए, मैंने एक बार पुलिस के बारे में कहा था, पुलिस गुंडा जो नंबर 4, हमने जब नंबर करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी एक वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने बताया था नंबर 4 वाले पुलिस होते हैं, गुंडा भी हो सकता है। ठीक है, दे आर वेरी डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड, तो ये नंबर 4 है, नंबर 4 इज़ डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं, डिसिप्लिन में काम करते हैं। ठीक है, सो नंबर 4 का मेन पॉइंट इनका यही है कि ये लोग कॉन्ट्रोवर्सी में फंसेंगे, कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी बुरा कर लें, और एक छुपा रुस्तम, ये इनकी मेन क्वालिटी है। ठीक है, अपना कुछ भी काम करेंगे आपको भनक नहीं लगने देंगे और बैक साइड में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट करते रहेंगे लाइफ में। ठीक है, सक्सेस मिलती है बट डिले होती है और हर्डल्स के साथ मिलती है, हर्डल्स इनको पार करनी होगी तभी सक्सेस मिलेगी, अगर ये हर्डल से घबरा जाएंगे तो इनको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ये था नंबर 4 के बारे में जिनका ड्राइवर और कंडक्टर 4 है। एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें, फ्री में नॉलेज मिल रहा है सभी को, ज्ञान मिलने दें। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।